शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 8 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको याद दिलाया कि तुम बच्चों को अपना पहला पाठ अच्छी रीति पक्का करना है। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। जब आप ये अभ्यास करते हैं तो आपका रूहानी प्यार रहेगा, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, निंदक भी मित्र बन जाएंगे। बाबा की दृष्टि पक्की है कि सब मेरे बच्चे हैं। बाबा बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं। तुम बच्चों को किसी को बच्चे बच्चे नहीं कहना है, ये प्रैक्टिस करनी है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। भले आपकी कोई निंदा करता है, लेकिन आपको उन्हें भी अपना मित्र समझ मित्रवत व्यवहार करना है। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए, अपकारी पे भी उपकार करना है। कोई कोई अखबारों में उल्टा सुल्टा डाल देते हैं, आपको उनसे भी घृणा नहीं करनी, उनका भी कल्याण करना है, उन्हें भी बाप का परिचय देना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो। बाबा कहते ऐसे मांगने से नहीं मिलेगा, योग बल से काम लो। आप योग करेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी। आपने पढ़कर स्वयं को स्वयं राज तिलक देना है। बाबा आए हैं पढ़ाने के लिए। ये अच्छी रीति पढ़ना, अच्छी रीति योग करना, ये अपने आप को राज तिलक देना है। गायन है यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म ग्लानी होती है तब मैं आता हूँ। इस समय बाबा स्वयं आए हैं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करोगे तो तुम्हें शक्ति मिलेगी, आत्मा पावन बनेगी, विकर्मों का बोझा उतरता जाएगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाप समान अब कार्यों पे उपकार करना सीखो, निंदक को भी मित्र बनाओ। बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। क्वेश्चन है बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है, तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है। बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है, तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है। बाप की दृष्टि पक्की है, जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए बच्चे बच्चे कहते हैं। तुम कभी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें दृष्टि पक्की करनी है कि आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा, क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। तीनों ही बड़ी प्राप्तियां हैं। ये प्रैक्टिस करनी है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, इससे रूहानी प्यार रहेगा, क्रिमिनल ख्यालात समाप्त हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते, रूहानी बाप का नाम क्या है। जरूर कहेंगे शिव, वो सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ये जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है, शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहते हैं। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं, अनेक प्रकार के गायन करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी क्यों करते हैं, सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते, सब कामनाएं वही पूरी हो जाती। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है,
नहीं कहीं फैमिन पड़ता, भले यज्ञ करते हैं परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं, ये ड्रामा है। आफतें जो आनी है वो तो आती रहती हैं, कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते हैं, मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए यज्ञ है? जब एकदम मूसलधार बरसात होगी तो क्या यज्ञ करेंगे? बावनी का बारिश के लिए तो यज्ञ करते हैं, क्या बंद करने के लिए भी कोई यज्ञ है? इन बातों को अब तुम समझते हो और क्या जाने, बाबा खुद समझाते, मनुष्य बाप की महिमा करते, मनुष्य एक तरफ पुकारते हैं, महिमा करते हैं और दूसरी तरफ सर्वव्यापक कह देते, वंडर है। बाप की ग्लानि कब से शुरू हुई? जब से रावण राज शुरू हुआ। बाप कहते हैं, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए, सबसे जास्ती ग्लानि किसने की? तुम बच्चों ने की, फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूं तो ग्लानि सारी दुनिया करती है, उसमें भी नंबर वन तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नजदीक वाले मित्र हैं बच्चे। बेहद का बाप कहते, हमारी निंदा तुम बच्चों ने की, अब कार्य भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसे बना हुआ है? यह विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का अर्थ कितना निकलता कोई समझ ना सके। बाबा कहते, तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य। भारत की ही बात है, खेल देखो कैसा बना हुआ है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते, वास्तव में अवतार है एक, अवतार को भी ठिक्कर भीतर में कह दिया। बाबा उलाना देते हैं, गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं, हमें पता नहीं, तुम प्यारे ते प्यारे बच्चे हो, कोई से बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाबा जब देखते हैं तो रूह को देखते हैं, आत्मा को, और उन्हें बच्चे बच्चे कहते हैं। बाप की तो दृष्टि पक्की हो गई, सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं, तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। ये तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, कोई क्या है, सब आत्माएं हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती, सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया, बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई। बाबा की नजर में सब आत्माएं हैं, उसमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामानुसार उन्हें बहुत ग्लानि की, फिर मेरे पास आ गए। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। पूरे कल्प में श्री लक्ष्मी नारायण ऐसी आत्मा है जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की, वंडर है ना, श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं की। ये ज्ञान कितना अटपटा है। बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण जी ही नारायण बनते हैं, जब वो श्री नारायण रूप में तो उनकी कोई भी निंदा ग्लानि नहीं होती है। ये बड़ी गुह्य बातें हैं, इसमें चाहिए सोने का बर्तन। ये याद की यात्रा से बन सकता है। यहाँ बैठे यथार्थ याद थोड़ी करते हैं, ये नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा है, याद भी बुद्धि से करना है, ये बुद्धि में आता नहीं। छोटी सी आत्मा वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, ये बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरण सब करते हैं भगवान वाच, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई, दरकार ही नहीं याद करने की। यहाँ इतने दुख आफतें आदि आती, याद करते हैं, भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो लिखते हैं, कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं, शक्ति आपे ही योग बल से लो। अंडरलाइन करेंगे बात, शक्ति कैसे मिलेगी? मांगने से नहीं, योग बल से शक्ति मिलती है। अपने ऊपर कृपा रहम करो, अपने को आपे ही राज तिलक दो। युक्ति बताता हूं कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते, स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़ा ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वो दौड़ेंगे, हर एक स्वतंत्र है, जितनी दौड़ी लगानी है वो लगाएं। याद की यात्रा में हर एक स्वतंत्र है, जितनी चाहे दौड़ी लगाएं।
याद की यात्रा ही दौड़ी है, एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है, भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया, भाई भाई समझो, फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं, वो अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल हैं, किसको लात मारी, घुसा मारा, तो क्रिमिनल अंग हुआ ना, अंग अंग क्रिमिनल है, वहां कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा, यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग है आंखें, विकार की आश पूरी नहीं हुई हाथ चलाने लग पड़ते, पहले पहले है आंखें, तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, ये रथ पढ़ा हुआ है। ब्रह्मा बाबा जो शिव बाबा का रथ है, उन्होंने वेद शास्त्र ये सब अध्ययन किया हुआ है। शिव बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता, ये तुम समझते हो शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता, मैं तो नॉलेजफुल हूं, बीज रूप हूं, ये सृष्टि रूपी झाड़ है उसका रचयिता है बाप, बीज शिव बाबा है बीज रूप। बाबा समझाते, मेरा निवास स्थान मूल वतन है, मैं भी शरीर में विराजमान हूं, कोई कह ना सके मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, मैं परम पिता हूं, कोई कह नहीं सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो, क्या तुम अल्लाह साई हो ही नहीं सकता। इस समय कोई सेंसिबल नहीं, अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूं, वह भी इंग्लिश में कहते, ओमनी प्रेजेंट कह देते हैं। बाबा कहते मैं ओमनी प्रेजेंट नहीं, मैं सर्व शक्तिवान हूं। अर्थ समझो तो कभी ना कहें, बच्चे अब जानते शिव बाबा की जयंती सोनाए विश्व की जयंती, उसमें पवित्रता सुख शांति सब कुछ आ जाता। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती सो दशहरा जयंती। बाबा आते हैं, नई दुनिया आती है, उससे पहले सब विकारों को भस्म करना है, पहले दशहरा फिर घर घर में दीपावली। शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती, सब जयंतियां आ जाती। ये नई बातें बाबा समझाते, शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैशाल्य मरंती, ये नई बातें बाबा समझाते, शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं विश्व में शांति हो, तुम कितना अच्छी रीति समझाते हो, जगते ही नहीं, अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं, भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते। बाबा कहते मैं आकर सबकी सदगति करता हूं, स्वर्ग और नरक का राज तुम्हें समझाता हूं, अखबारें जो तुम्हारी ग्लानी करती हैं उन्हें लिख देना चाहिए, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे। भले कोई अखबार में उल्टा पुल्टा डाल देते, हमें उनसे भी घृणा नहीं करनी, नफरत नहीं करनी, उनका भी कल्याण करना है। बाबा कहते ईश्वर की ग्लानी करते हैं, अगर हमारी भी कर दी तो क्या हुआ, तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे, नहीं चाहिए तो भी, बाबा कहते भले वो नहीं भी चाहे तो भी उनका कल्याण हम जरूर करेंगे, डरने की बात नहीं, जो कुछ करते हैं कल्प पहले भी किया, हम बीके सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना है, हम सबको बाबा ने सबके कल्याण के लिए ही भेजा है, हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, भले कोई निंदा करे ग्लानी करे तो भी हमें उनके लिए कल्याण का भाव रखना है। अबलाहों पर अत्याचार कल्प पहले भी हुए थे, ये बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते बेहद के बच्चे सब हमारी ग्लानी करते, सबसे प्यारे मित्र भी बच्चे ही बनते हैं, बच्चे प्यारे लगते हैं, बच्चे तो फूल होते हैं, बच्चों को माँ बाप चुमन करते हैं, माथे पे चढ़ाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते, अब तुम्हें ये नॉलेज मिली है जो तुम साथ लेके जाते हो, जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है। तुम बच्चे नॉलेज लेते हो, साथ लेके जाते हो, बाबा कहते जो नहीं लेते उनका भी पार्ट है, वो वही पार्ट बचाएंगे, हिसाब किताब चुक टुक कर घर चले जाते। स्वर्ग में तो देख ना सके, सब थोड़े स्वर्ग देखेंगे, ड्रामा बना हुआ है, पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से, तमो प्रधान
वो देरी से आएंगे। ये रास बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे मारती बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है, झट गुस्सा आ जाता तो चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा कहते उनकी मुरली बंद कर दो। जो बाबा की श्रीमत के अनुसार नहीं चलते तो बाबा कहते उनको कुछ तो रियलाइज कराना चाहिए, उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या, फिर कोई की आंख खुले कहेंगे भूल हो गई, कोई तो परवाह ही नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर सारे हैं जो बाबा को याद ही नहीं करते। हम सब तो उसमें से नहीं है ना, बहुत बच्चे हैं बाबा को याद नहीं करते हैं, कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं, करेंगे 5 सेकंड और वायदा करेंगे हम हरदम आपको याद करते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते, फलाने को याद देना, ये याद सच्ची थोड़ी है, झूठ चल ना सके, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट्स अच्छी रीति समझाते, दिन प्रतिदिन बाबा गुहे बातें समझाते हैं, दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं। सत्युग में दुख का नाम नहीं। अभी रावण राज्य मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते, राम को भगवान कहते, राम की सीता चोरी हो गई, अब वो तो सर्वशक्तिवान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती है। समझने की बात है, हम आत्माएं सब सीताएं हैं। जब 5 विकारों के वशीभूत हो जाते हैं तो ये कहना शुरू कर देते हैं कि राम की सीता चोरी हो गई। ये सब समझने की बातें हैं। इस समय 5 विकारों की गंदगी है। बाप कहते यदा यदा ही धर्मस्य, जब अति धर्म ग्लानी होती है तब मैं आता हूं। खुशखबरी है, बाबा स्वयं आकर अपना कार्य कर रहे हैं। पिता के रूप से प्यार देते हैं, टीचर के रूप से पढ़ाते हैं, सतगुरु के रूप से साथ ले जाते हैं। वही मात पिता और सब कुछ है। कोई भी नहीं जानते कि ये परमात्म कार्य इस सृष्टि पर साकार में चल रहा है। मैं आकर सचखंड स्थापन करता हूं। सचखंड सतयुग को, झूठखंड कलयुग को कहा जाता। अब बाबा झूठखंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, नीचे नीचे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस गुहे व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर, पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर कृपा व आशीर्वाद करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर, पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा आशीर्वाद करनी है। आपको राज तिलक देना है। निंदक को अपना मित्र समझ उनकी सदगति करनी है। बहुत सुंदर वरदान, ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसा अनुभव करके सेवा करो, सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होके सेवा करना। सब चाहते हैं अवतार आए और हमें साथ ले जाएं, तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम लेके जाएंगे। आप सच्चे अवतार हो जो सबको मुक्ति धाम लेके जाएंगे। जब अवतार समझ के सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, अनेकों की इच्छाएं पूर्ण करेंगे। समझने योग्य बात, जैसे शिव बाबा आते हैं, आकर कार्य करते हैं और चले जाते हैं, न्यारे प्यारे हैं, ऐसे हम सब आत्माएं भी शांति धाम से अवतरित हुई हैं सबके कल्याण के लिए।
आए, कार्य किया और डिटैच हो गए। जब ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके द्वारा दूसरों को साक्षात्कार होगा कि ये साक्षात्कार मूर्त आत्माएं हैं। वावन कस की प्रैक्टिस करो। जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं, हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं, ऐसा अनुभव करके सेवा करो तो सदा न्यारे बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन, अवतरित होके सेवा करना। सब चाहते हैं अवतार आए, हमें साथ ले जाएं। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम लेके जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे, अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो। आज हम याद रखेंगे, मैं अवतरित हुई आत्मा अवतार हूं, साक्षात्कार मूर्त हूं। अवतार सृष्टि पर अवतरित होते हैं सबके कल्याण के लिए, सबको सुख देने के लिए। याद करें वो दृश्य, मैं आत्मा मूल वतन से इस सृष्टि पर आई हूं। जगमग जगमग करती मैं आत्मा इस देह में प्रविष्ट हो गई। मेरा कार्य है सबका कल्याण करना, सबको सुख देना। बाबा से शक्ति लेकर सबको देते जाए, सबका कल्याण हो, सबको स्नेह देना है, सहयोग देना है, शुभ भावनाएं देनी है। मास्टर दाता बन देते जाए, देते जाए, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। जो आत्माएं बाप दादा की सिरताज बनने वाली हैं, वह कौन सी गलती स्वप्न में भी नहीं करेंगे। सिरताज बनने वाली आत्माओं की यह खास बात जानने के लिए सुनते हैं आज का विशेष ज्ञान मोती।